क्योंकि उस स्पेसशिप में हमारे आयरन मैन और स्पाइडरमैन भी होते हैं, तो इसीलिए वो कुछ मुश्किलात का सामना करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा ही लेते हैं। साथ साथ वो इबोनी को स्पेस में मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों के बीच डिस्कशन होने लगती है। अब यहाँ पर टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं कि मैं थैनोस को इस टाइम स्टोन के लिए अर्थ पर लाकर बहुत सारे लोगों को मरने नहीं दे सकता, और अगर वो ये टाइम स्टोन लेना चाहता है तो उससे लड़ने के लिए हमें उसे कहीं और बुलाना पड़ेगा। अब क्योंकि थैनोस टाइटन प्लेनेट से आया था, तो इसीलिए वो लोग टाइटन प्लेनेट पर जाकर थैनोस से लड़ने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमें थैनोस और कमोरा दिखाए जाते हैं, जो कि दोनों वॉरमिर में होते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होती है रेड स्कल से। यहां पर हमें रेड स्कल सोल स्टोन का गेट कीपर दिखाया गया है। यहां पर थैनोस रेड स्कल से पूछता है कि सोल स्टोन को कैसे हासिल किया जाता है। तब रेड स्कल थैनोस को बताता है कि सोल स्टोन सारे स्टोन्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस स्टोन को हासिल करने के लिए हमें किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि वो एक सोल स्टोन है, इसीलिए सोल के बदले सोल, यानी सोल स्टोन को हासिल करने के लिए एक जान की कुर्बानी। और यहाँ पर थैनोस अपनी बेटी कमोरा को सेक्रीफाइस कर देता है, और यहाँ पर अब उसके पास चौथा स्टोन यानी सोल स्टोन भी आ जाता है। इसके बाद हमें थोर, ग्रूट और रॉकेट दिखाए जाते हैं, जो कि एक ऐसे एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पर छोटे लोग यानी बोने रहते हैं, क्योंकि बोने ही तो सबसे अच्छे वेपन्स बना सकते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जब उन बोनों ने थोर का वेपन यानी हथौड़ा बनाया था, तो थैनोस ने उस जगह की सारी भट्टियों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, और साथ साथ उन सभी बोनों में से सिर्फ एक को ही वहीं पर जिंदा छोड़ दिया था। और जब थोर को ये बात पता चलती है, तो वो उनमें से एक बोने को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, जिस पर वो बोना कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया और थैनोस को पता चल गया, तो वो मुझे और इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन जब थोर उसे ये कहता है कि अगर मुझे मेरा हैमर मिल गया, तो मैं थैनोस को जरूर हरा दूंगा, तब ये बात सुनकर फाइनली वो बोना थोर की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। इसीलिए अब वो एक नए वेपन को बनाने के लिए तैयारी करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हैमर बनाने के लिए जो मेटल उनको चाहिए, उस मेटल को पिघलाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है, वो सिर्फ सूरज से मिलेगी। लेकिन सूरज की पावर इतनी ज्यादा तेज है कि अगर उसे डायरेक्ट उस मेटल पर लगाया जाए, तो वो पूरा का पूरा मेटल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसीलिए बीच में एक फिल्टर लगाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब वो उस फिल्टर को यूज कर रहे होते हैं, तो वो एकदम से बीच में से टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर थोर उस बोने को कहता है कि अब इसके बीच का फिल्टर मैं बनूंगा, और तुम बस अपना काम जारी रखो। और ये काफी अच्छा सीन होता है कि जब थोर उस एनर्जी सोर्स के बीच एज अ फिल्टर खड़ा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ अपने उस वेपन यानी हथौड़े को हासिल करने के लिए, और फाइनली वो अपने उस वेपन को हासिल कर ही लेता है। लेकिन जब वो वेपन तैयार होता है, तो पता चलता है कि उसमें लगाने के लिए हैंडल तो है ही नहीं। लेकिन तभी वहाँ ग्रूट आता है, और वो अपना एक हाथ हैमर के अंदर फिट कर देता है, और तब जाकर फाइनली एक जबरदस्त हथियार तैयार हो जाता है। और ये वाला वेपन थोर के पिछले वेपन से काफी ज्यादा पावरफुल और अपडेटेड था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज पर जाता है, जो कि तीनों अब टाइटन प्लेनेट पर आ चुके हैं। अब क्योंकि यहाँ पर नेब्यूला ने मैंटिस को मैसेज किया होता है कि हमें टाइटन प्लेनेट पर तुम्हारी जरूरत है, तो इसीलिए पीटर क्विल, मैंटिस और ड्रैक्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के आने से पहले फ्यूचर को देखने लगता है, और वो देखता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम थैनोस से जीत सकते हैं, जिनमें वो देखता है कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जिसमें कि वो थैनोस से जीत सकते हैं। और ठीक उसी टाइम पर हम वहाँ पर थैनोस को देखते हैं, जो कि टाइटन प्लेनेट पर डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन को लेने के लिए पहुँच चुका था। इसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका, विजन, ब्रूस बैनर और वोंग दिखाए जाते हैं, जो कि विजन के साथ वकांडा पहुँच जाते हैं, जिन्हें लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सब माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तभी वहाँ पर शूरी, जो कि ब्लैक पैंथर की सिस्टर होती है, वो उन सबसे कहती है कि हाँ, मैं माइंड स्टोन को विजन से अलग तो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए टाइम चाहिए। तब वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर आने वाली बाकी ब्लैक ऑर्डर टीम से मुकाबला करेंगे, तब तक तुम विजन से माइंड स्टोन को निकालने की कोशिश करो। और तभी हम जान पाते हैं कि थैनोस की पूरी ब्लैक ऑर्डर टीम विजन से उस माइंड स्टोन को हासिल करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है, जिन्हें लीड कर रहे थे प्रोक्सिमा मिडनाइट, कॉर्वस ब्लेड और ऑब्सीडियन। वहाँ उन तीनों की प्रेजेंस को देखते हुए उन सभी एवेंजर्स को ये लग रहा था कि उनका पलड़ा भारी है, लेकिन वहाँ पर ब्लैक पैंथर एक बहुत ही बड़ा
बड़ा डोम बना देता है जिसकी मदद से उन सभी के ऊपर एक प्रोटेक्शन का जैसे एक सर्कल बन जाता है। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि ब्लैक ऑर्डर की टीम की तादाद काफी ज्यादा है और वो किसी भी टाइम पीछे के दरवाजे से आकर विजन पर हमला कर सकते हैं, तब फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि हम सामने के दरवाजे को थोड़ा सा खोल देंगे जिसमें से उस पूरी की पूरी ब्लैक ऑर्डर टीम हमारे सामने आएगी। इस तरह से हम उन्हें लड़ाई करने में बिजी रखेंगे और तब तक शुरी विजन से उस माइंड स्टोन को निकाल देगी। इसके बाद सामने का वो दरवाजा खोल दिया जाता है जहाँ पर पूरी की पूरी ब्लैक ऑर्डर टीम उन सभी एवेंजर्स से लड़ने लगती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि हल्क अपने असली रूप में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि ब्रूस बैनर हल्क वाले रूप में तभी आता था जब उसे किसी से लड़ाई करनी पड़ती थी, वरना मोस्टली वो ब्रूस बैनर के रूप में ही रहता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अब वो थैनोस से बहुत ज्यादा डरने लग गया था और ये वजह भी थी जिसकी वजह से वो हल्क नहीं बन रहा था। एनीवे, वो ऐसे ही इस लड़ाई में शामिल हो जाता है और यहाँ पर हमें इस मूवी की